हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी आसर यूट्यूब चैनल। और गाइस, टेकी आसर अपडेट में आप सभी का स्वागत है। गर्मा गर्म टेक न्यूज आप लोग के लिए यहां पर मैं लेके आ चुका हूं। तो इसी बात पे कर देना एक वीडियो को लाइक। ये वीडियो का लेकर टारगेट रखता है 1000 लाइक्स का। आई होप कि यहां पर आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले न्यूज के बारे में बात करी जाती है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग M30 का एक नया वेरिएंट बहुत ही जल्दी आपको लॉन्च होते हुए दिख सकता है। M30 का जो अपग्रेडेड मॉडल रहने वाला है, जिसका नाम रहने वाला है M30S, Geekbench पे ऑलरेडी यहाँ पर ये स्पॉट करा गया है। आप स्कोर वगैरह देख सकते हो, सिंगल कोर स्कोर, मल्टी कोर स्कोर, और यहाँ पर बताया जा रहा है जो प्रोसेसर है इसका यहाँ पर अपग्रेड करके दिया जाएगा। पहले वाले M30 में आपको एक्सिनोस का 7904 देखने को मिल जाता, जो कि ठीक ठाक सा प्रोसेसर था, लेकिन अब यहाँ पर बताया जा रहा है उसका 9610 देखने को मिल सकता है, जो कि एक अच्छा मिड रेंज चिपसेट आप इसे बोल सकते हो। और स्पॉट में यहाँ पर आप देखा गया कि आउट ऑफ द बॉक्स पाई देखने को मिल सकता है, और 4GB रैम वाला वेरिएंट भी आपको देखने को मिलेगा। तो भाई, जो भी लोग को यहाँ पर सैमसंग M30 अच्छा लग रहा था, लेकिन परफॉर्मेंस की वजह से वो लोग खरीद नहीं पा रहे थे, तो भाई आप M30S का वेट कर सकते हो। बहुत ही जल्दी आपको ये लॉन्च होते हुए दिख सकता है। सो गाइस, LG बहुत दिन से यहाँ पर Amazon पे टीजर वगैरह डाल रहा था कि W सीरीज आने वाली है, ट्रिपल कैमरा रहेगा, वाटर ड्रॉप नॉच वाला रहेगा। अब लॉन्च डेट यहां पर सामने निकल के नहीं आई थी, लेकिन अब LG ने खुद ही यहां पर कंफर्म कर दिया है 26 जून को यहां पर LG के W सीरीज के स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले। अब देखते हैं LG क्या करता है। मुझे तो यहां पर बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है LG से कि भाई अच्छी प्राइस पॉइंट पे अच्छे फोन यहां पर लॉन्च करेंगे, अगर ऑनलाइन सेगमेंट में लॉन्च कर रहे तो। अब देखते हैं LG W सीरीज के साथ में क्या कमाल करता है। बाकी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना क्या LG कॉम्पिटिशन के साथ, मतलब रेडमी, शाओमी, सैमसंग को टक्कर दे पाएगा W सीरीज के साथ में या नहीं दे पाएगा, जो बताना नीचे कमेंट्स में। सो गाइस, नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करें तो पोको F1 में जो डिस्काउंट हमें यहाँ पर फ्लिपकार्ट के सेल पे देखने को मिल रहा था, और शाओमी के सेल पे भी 18,000 का हो गया था। फिलहाल वो जो सेल है वो कंटिन्यू रहेगा। आपको जो पोको F1 का आप बोल सकते हो 664 स्टील आपको 17999 में देखने को मिल रहा है, और फ्लिपकार्ट अगर आप जाओगे तो एक्सिस बैंक पे 750 रुपए का डिस्काउंट वहां पर अभी भी फिलहाल देखने को मिल रहा है। तो जो पोको F1 है वो आपको काफी सस्ता, मतलब 17,250 के आसपास मिल जा रहा है। तो अगर आपको लेना है तो इंटरेस्टेड हो तो परचेज कर सकते हो। वैसे एक चीज आपको बता दूं, मैंने आज सुबह में यहां पर K20 वर्सेस Poco F1 का ऑनेस्ट कंपैरिजन वीडियो डाला था, नहीं देखे हो चैनल पे चेक आउट कर लेना। उसमें मैंने डिटेल में बताया था कि Poco F1 आज की डेट में परचेस कर लेना, K20 का आपको वेट करना चाहिए, सारी चीजें डिटेल में बताया, जरूर से वो वीडियो आप देख लेना। गाइस, कूलपैड ब्रांड के बारे में तो आप सभी को पता होगा, इंडिया में लगभग 4-5 साल पहले यहाँ पर डेब्यू किए थे। काफी बढ़िया मिड रेंज सेगमेंट के स्मार्टफोन उन्होंने लॉन्च करे थे, बीच में कुछ सालों के लिए गायब हो गए थे, लेकिन अब कूलपैड का एक नया मिड रेंज या बोल सकते हो लोअर एंड मॉडल का यहाँ पर एक स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है। लॉन्च डेट यहाँ पर कूलपैड ने बता दिया कि 26 जून को उनका एक डिवाइस यहाँ पर इंडिया में लॉन्च होने वाला है, जिसका नाम रह सकता है कूलपैड Cool 3 Plus के नाम से आ सकता है। और एक चीज तो कन्फर्म है कि यहाँ पर आपको वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जैसे कि आप टीजर में देख सकते हो। कूलपैड से भी भाई एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि भाई अच्छा हार्डवेयर, स्पेशली कूलपैड से रिक्वेस्ट है कि जो प्राइस पॉइंट पे फोन आप ला रहे हो तो प्रोसेसर अच्छा इस्तेमाल करो, क्योंकि कूलपैड यहाँ पर सारी चीजें रैम वगैरह अच्छी चीज दे देता है, लेकिन प्रोसेसर के मामले में हमेशा से वीकनेस रही है कूलपैड की। रिक्वेस्ट है कि जो भी प्राइस पॉइंट पे जो भी फोन लॉन्च करो, अच्छे प्रोसेसर, अच्छे प्राइस पॉइंट पे भले आप ऑनलाइन लॉन्च करो, डेफिनेटली आप मार्केट में कमबैक कर सकते हो। गाइस, जीमेल तो आप इस्तेमाल करते ही होंगे, हम में से सारे के सारे फोन यहाँ पर मेल वगैरह यूज तो करते ही है। अब जीमेल में अगर आपको डार्क मोड का यहाँ पर आप वेट कर रहे थे तो आपको ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है। कुछ ही दिनों में यहाँ पर जो अपडेट अभी फिलहाल के लिए बीटा टेस्टिंग में है, कुछ ही दिनों में हमें सारे एंड्रॉयड स्मार्टफोन पे और सारी जगह पे जीमेल का यहाँ पर डार्क मोड देखने को मिल जाएगा। स्पेशली एमोलेड डिस्प्ले पे जीमेल के मेल पढ़ना क्या मजा आएगी आप सोच सकते हो। तो वेट कर लो, थोड़े टाइम में आपको जीमेल का अपडेट देखने को मिलेगा डार्क मोड का। सो गाइस, वीवो Z1 प्रो का हम बहुत ही बेसब्री से इंडिया लॉन्च का वेट कर रहे हैं। 3 जुलाई को ये लॉन्च होने वाला है, स्पेसिफिकेशन वगैरह सारी चीजें सामने आ चुकी है, लेकिन एक चीज का हम यहाँ पर बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि Z1 प्रो की भाई प्राइस पॉइंट पे क्या प्राइस पॉइंट पे यहाँ पर लॉन्च होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक रीसेंट लीक अंदर की खबर निकल के आई है, जो कि यहाँ पर वीवो का जो Z1 प्रो है बताया जा रहा है 19,999 में आपको इंडिया में लॉन्च होते दिख सकता है। अब पता नहीं भाई ये बेस वेरिएंट का प्राइसिंग है या 128GB वाले वेरिएंट का प्राइसिंग है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि भाई ये 16,000 से 17,000 में आ जाता तो किलर डिवाइस रहेगा, लेकिन अगर ये 20,000 में अगर इसका बेस वेरिएंट लॉन्च होता है तो मुझे नहीं लगता ये इतना कमाल कर पाएगा। बाकी अगर 128GB वाला वेरिएंट
6GB रैम के साथ मगर 20,000 में आता है तो ठीक ठाक है, लेकिन वीवो के सर रिक्वेस्ट है कि भाई अगर लॉन्च करे तो 16-17 के आसपास रहता तो काफी मजा आ जाएगा, लेकिन अगर 20,000 पे Z1 Pro लॉन्च हो जाता है तो मुझे नहीं लगता ये K20 और Realme X को बीट कर पाएगा। बाकी आप यहां पर वीवो Z1 Pro का क्या प्राइस पॉइंट एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या आप अगर ये 20,000 में फोन आता है वीवो की तरफ से तो क्या आप ये फोन को लेना पसंद करोगे नहीं करोगे, ये बताना नीचे कमेंट्स में। तो गाइस ये थी यहां पर मेरी तरफ से टेक न्यूज, सैटरडे का दिन है, ज्यादा न्यूज नहीं थी लेकिन जो भी थी मैं सोचा कि आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूं। बाकी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना भाई आपकी फेवरेट न्यूज इसमें से कौन सी थी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।